गाइस कैसे हैं आप सभी। सो गाइस आज का टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 15.1 प्रोबेबिलिटी का आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड या नॉट रेड। बेटा इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में बोलने से पहले एक बात जरूर बोलूंगा जो मेरी दिल से तमन्ना है मैं आप लोगों को बोलूं। पता है क्या है, मैंने जब से प्रोबेबिलिटी आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, मेरे मन में एक ही हमेशा ये बात आई है, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है पूरे मैथ्स में जो सबसे बढ़िया लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको ये बताता भी चाहिए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो आपको बता दूँ कैसे, तो देखो यहाँ देखो, आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोला एक बैग में 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब समझना, 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है, यानी 3 लाल कलर की गेंद है और 5 है ना काली कलर की गेंद है, ठीक है। अब इन्होंने बोला अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, मतलब यहाँ पे बोला गया कि इस थैले में से एक गेंद राद्रक्ष्य निकाली जाती है, मतलब रैंडमली निकाली जाती है, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द बॉल बॉल ड्रॉन इज, यानी कि इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद रेड है या रेड नहीं है। देखो सीधी सीधी बात है, इनने बोल दिया लाल है या लाल नहीं है, यानी लाल के होने की प्रायिकता है या लाल के ना होने की प्रायिकता है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात पता चल गई, हमें लाल को फोकस करना है यानी रेड को फोकस करना है, हमें ब्लैक की तरफ फोकस नहीं करना है, है ना। अब दूसरी बात, अब देखो बेटा यहाँ पर रेड होनी चाहिए और नॉट रेड मतलब रेड नहीं भी होनी चाहिए। तो आपको मैंने एक बार बताया था PE प्लस के PE बार, देखो कितनी बार क्वेश्चन में यूज़ होता है, इक्वल में 1। मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का, जिसमें मैंने बताया था कि ये भाई साहब ये होने की प्रोबेबिलिटी है और ये ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम 1 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर रेड के होने की प्रोबेबिलिटी और रेड के ना होने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर हमें जी दोनों ही निकालना है। तो कैसे निकालें, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए बेटे एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम PR के नाम से शो करेंगे, ठीक है। PR क्यों, क्योंकि रेड के फोकस करना है ना हमें। यहाँ पे इवेंट है ना, ई ब्रैकेट में ये चेंज हो जाता है जो कंडीशन में हमें फॉलोअप करनी होती है, जैसे हमें जो फाइंड आउट करना है, जैसे प्रोबेबिलिटी हमें रेड वाली निकालनी है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो PR इक्वल में बेटा ये हो जाएगी अपनी PR अपॉन में PS। S क्यों बोला, क्योंकि बेटा हम जो भी चीज़ का यहाँ पर जो नीचे वो क्या होता है टोटल होता है ना टोटल, तो टोटल को हमने S में गिन लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर है ना एक गलती मैंने गलती से कर दी, यहाँ पर मेरे को P नहीं लिखना है, यहाँ मेरे को N लिखना था, सॉरी माई फॉल्ट, ठीक है। PR इज इक्वल्स में NR अपॉन में NS। एन आर और एन एस का मतलब क्या होता है, टोटल वगैरह होता है। जैसे कि अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, एन आर का मतलब क्या हुआ बेटा, एन आर का मतलब ये है कि अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी अनुकूल परिणाम यानी जो क्वेश्चन ने डिमांड करी है क्वेश्चन ने आंसर की वो होना चाहिए, वो यहाँ आएगा, ठीक है। और एन एस का मतलब क्या होता है बेटा, जो क्वेश्चन ने बोला वो तो होगा ही होगा और जो क्वेश्चन नहीं भी बोल रहा वो परिणाम हो उन सबका टोटल नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं आपके पिताजी आपने बोला अपने पिताजी से बोला पापा आप है ना 2 आम ले आना, मुझे आम खाने की इच्छा है, ठीक है, लेकिन आपके पिताजी ले आते हैं 1 दर्जन आम, ठीक है, और 1 दर्जन आम में आप सब समझते हैं कि 12 आम आते हैं, है ना। तो आपके पिताजी 1 दर्जन आम ले आते हैं और आपने क्या बोला था 2 दर्जन की, आपने बोला क्या था 2 आम की बात करी थी, है ना। तो आप क्या हो गए, अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई आपकी क्योंकि 2 है, लेकिन आपके पिताजी टोटल ले आए तो यानी कि टोटल कितने होगा 12, तो 2/12 हो जाने चाहिए, यहाँ पर 2/12 इस तरीके से चलना है, ठीक है बच्चों। अब आई समझ में, आम का एग्जांपल याद रखना, ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन क्या बोलती है बेटा, रेड मतलब रेड होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए, तो पहली कंडीशन को फॉलो अप करने के लिए पहले हम टोटल संख्या निकाल लें। तो मैं पूरा हिंदी में लिखूंगा, आप लोग आज हिंदी में समझिए जरा, इससे ईजी पड़ेगा आपको, ठीक है। गेंदों की कुल संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ गेंद यानी कि बॉल टोटल नंबर ऑफ बॉल, ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा बेटा, S इक्वल में
थ्री प्लस फाइव इजिकल्स टू में बेटा कितने हो जाएंगे एट। थ्री प्लस फाइव इजिकल्स टू में एट क्यों हुआ बेटा, आप तो जानते हैं यहाँ पर है ना तीन रेड है और पांच ब्लैक है, तो दोनों का सम एट हो गया, ये टोटल परिणाम हो गए, यानी टोटल परिणामों की संख्या यानी कि नीचे वाली आ गई एन एस। ठीक है, अब हमें निकालना क्या अनुकूल परिणाम यानी एन आर बताना। तो एन आर क्या होगी बेटा, पहली कंडीशन की रेड हो यानी रेड हो वाली निकालेंगे ना, और जब हम रेड वाली निकाल लेंगे तो दूसरी वाली निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जे फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, इससे दूसरी भी निकल जाएगी। तो पहले रेड वाली देखते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, नीचे हम दूसरी कंडीशन निकालेंगे, जैसे जी तो टोटल हो गई, एक नीचे निकालेंगे लाल गेंद, लाल गेंद होने की, लाल गेंद होने की अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है बच्चों, ज़्यादा तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो ध्यान से समझना, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो गए एट हो गए। ठीक है, अब उसके बाद जो आप लिखेंगे वो लिख दीजिएगा बेटा यहाँ पर फेवरेबल इवेंट ऑफ बीइंग रेड बॉल। ठीक है, रेड बॉल, और यहाँ पर ये एन है ना, एन को आप है ना बेटा इस रूप में दर्शा सकते हैं एन एस के रूप में, यहाँ पे मैंने एस लिखा है ना, आप इसको एन एस के रूप में लिखें यानी कि एन लगा के एस लगा दीजिए। ठीक है, इससे टोटल ही हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ जो संख्या लिख रहे हैं ना लाल गेंद होने की अनुकूल परिणामों की संख्या, जी होगी बेटा एन आर, एन आर इजिकल्स टू में बेटा कितनी है, यहाँ पर रेड होने की प्रायिकता कितनी है थ्री, तो थ्री हो गई, क्लियर है। अब बेटा क्या है, वी नो डैट क्या है बेटा, पी आर इजिकल्स टू में एन आर अपॉन में एन एस। बेटा एन आर की वैल्यू कितनी है थ्री और एन एस की वैल्यू बेटा कितनी है एट, यहाँ पर देखिए। ठीक है, और ये एन आर की वैल्यू आ गई, तो ये बेटा क्या आ गई, जी आपकी आ गई रेड होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रेड होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, होने की प्रोबेबिलिटी जैसे वन माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, वो होती है ना होने की प्रोबेबिलिटी, कैसे, जे देखो यहाँ पर ध्यान से, जे निकालना है अपन को, और जे अपनी होने की प्रोबेबिलिटी और जे ना होने की है। जब होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गई थ्री अपॉन की एट है, तो इसको हम यहाँ रख देंगे है ना, और इसको यहाँ भेज देंगे तो ये इक्वल में हो जाएगा और ये टोटल हो जाएगा, यानी कि कैसे देखिए यहाँ करता हूँ ध्यान से समझिएगा, इसे ई की जगह में मैं आर को यूज़ करूँगा, क्लियर है। तो देखो पी आर बार इक्वल में वन माइनस पी आर, ठीक है, सेकंड कंडीशन चालू हो गई यहाँ से, क्लियर है। अब देखो पी आर कौन है बेटा, पी आर कौन है जी, होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है थ्री अपॉन के एट, ना होने की निकालना है ना हमें, तो ना होने के लिए वन माइनस होने की प्रोबेबिलिटी करनी पड़ती है, तो रख दो बेटा डायरेक्ट, अब तो पता ही है आपको है ना, तो वन माइनस थ्री अपॉन के एट पी आर डैश इजिकल्स टू में, ठीक है ध्यान से एलसीएम ले लीजिए बेटा, एट आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो वन मानेंगे, वन का डिवाइड अपन ने एट से का राइट का मल्टीप्लाई ऊपर कर दे तो एट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा थ्री आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा साइड में कर लेते हैं जिससे इजी पड़ेगा, ठीक है गाइस, चलिए यहाँ करते हैं पी आर बार इक्वल में आठ में से बेटा तीन जाएंगे, कितने बचेंगे फाइव अपॉन में एट, तो आप देख पा रहे हैं बेटा ना होने की प्रॉबिलिटी कितनी आ गई फाइव अपॉन की एट, और होने की प्रॉबिलिटी कितनी है बेटा ये थ्री अपॉन के एट, तो ये दोनों अपन को जो निकालने को बोला गया था अपन ने फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है गाइस, तो यही आपका आंसर, ये दोनों आपकी जो आए हैं ये दोनों ही आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, इस तरह की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।